एसआर में नीरज कुमार राठौर, घमासान.com इंदौर से। आज सीआईआई के वेंडर डेवलपमेंट कार्यक्रम में मेरे साथ उपस्थित हैं मोइल इंडिया लिमिटेड, जो कि भारत सरकार का एक उपक्रम है, डीआई खान साहब, जो कि वहां पर सीनियर परचेस मैनेजर हैं। खान साहब, मोइल इंडिया लिमिटेड कब से काम कर रहा है, क्या क्या एक्टिविटीज चल रही है आपकी? देखिए, हमारे मोइल को करीब करीब 50 साल से ज़्यादा हो गया है। ये पहले CPMO के नाम से जाना जाता था, सेंट्रल प्रोविडेंट फंड यूनियन। इसके बाद में मैंगनीज ऑयल इंडिया लिमिटेड हुआ, आज हमारा कंपनी मोइल लिमिटेड हो गया, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। और हमारा माइनिंग उद्योग है, और हमारे यहाँ 10 खदानें हैं, जिसमें 2 ओपन कास्ट हैं और 7 खदानें जो है हमारी अंडरग्राउंड माइंस हैं। और हमारा फिनिश प्रोडक्ट जो है वो मैंगनीज ऑयल है। ये मैंगनीज ऑयल जो है, ये हमारा भारत का करीब करीब 60% मैंगनीज की खपत जो है वो हमारे थ्रू होती है। ये सप्लाई मैंगनीज टू इंडिया, अराउंड 60% ऑफ मैंगनीज ऑयल टू इंडिया में सप्लाई है, और हमारा मैंगनीज ऑयल बाहर एक्सपोर्ट भी होता है। अभी माइनिंग को लेकर कुछ हैजार्डस घटनाएं भी हुई थी कि कुछ श्रमिक लोग कहीं फंस गए थे, आपके यहाँ हेल्थ एंड सेफ्टी को लेकर क्या आपकी पॉलिसी है और क्या चल रहा है आपकी कंपनी में? देखिए, हेल्थ एंड सेफ्टी रिलेटेड पॉलिसी तो हमारे यहाँ, अगर आप रिकॉर्ड उठाकर देखोगे तो मैंगनीज ऑयल इंडिया लिमिटेड, मोइल लिमिटेड में तो ऐसे हादसे बहुत कम हुए, मतलब नहीं के बराबर हुए। हमारे यहाँ सेफ्टी पॉलिसी बहुत अच्छी है, हमारे वर्कर्स की सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा जाता है, और उनके हेल्थ के बारे में भी पूरा ध्यान रखा जाता है। ऐसे कोई मतलब फैटल एक्सीडेंट्स बहुत कम हुए, नहीं कि बराबर नहीं हुए। जो ये सब जो आप बता रहे हैं, जहाँ पर एक्सीडेंट्स शायद कोल माइंस में हुए, हमारे यहाँ नहीं जी, हमारे माइनिंग में नहीं। आपकी कंपनी की कुछ CSR एक्टिविटीज़ भी चल रही है क्या हमारे ट्राइबल एरिया में? हमारे कंपनीज की CSR एक्टिविटीज़, हमारे अगर माइनिंग्स में जाएंगे तो वहाँ के आसपास के जितने गांव जो हैं वहाँ पे हम लोगों ने गोद लिया हुआ है, और वहाँ पे हम लोगों ने स्कूल्स बनाए हैं, हॉस्पिटल्स बनाए हैं, और बच्चों को एजुकेट कर रहे हैं, वेलफेयर कम्युनिटी हॉल्स बनाए हैं CSR के अंतर्गत। CSR के अंतर्गत हम लोगों ने एम्बुलेंसेस दी हुई है मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में और महाराष्ट्र में एम्बुलेंसेस वगैरह हमने दिए हुए हैं। जो इंटरनेशनल जो मार्केट है मैंगनीज का, उसमें तो इंडिया की क्या रैंक है, और इंटरनेशनल मार्केट में हमारे कौन कौन कंपटीटर हैं, एक्सपोर्ट में क्या पोजीशन है अपनी? अभी आज की तारीख में एक्सपोर्ट में तो हम लोग काफ़ी अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, और कंपटीटर तो एक्चुअली देखा जाए तो चाइना ही है हमारा सबसे बड़ा कंपटीटर। अदरवाइज मैंगनीज की खपत जो है वो स्टील के डिमांड के ऊपर हम लोग काम करते हैं, जितना ज़्यादा स्टील का डिमांड होता है मैंगनीज की खपत उतनी ज़्यादा होती है। CII के वेंडर डेवलपमेंट कार्यक्रम में आप आए जी, और इसमें ST एंटरप्रेन्योरशिप के लिए एज पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो भी टेंडर निकलते हैं उनको बाकायदा आरक्षण भी मिला हुआ है, तो आपके यहाँ पर जितना भी प्रोक्योरमेंट जो आपकी पॉलिसी है उसमें क्या ST के एंटरप्रेन्योर्स को फ़ायदा हुआ है वास्तव में? देखिए, जहाँ तक के MSC से ताल्लुका जो है, माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेज जितने हैं, गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है कि 25% हमको टोटल एनुअल परचेज का हमको 25% जो है वो हमको MSC से लेना है, हम लोग करीब करीब 40% टारगेट जो है वो अचीव कर रहे हैं। मगर जो SC ST का जो टारगेट है 4% का जो अचीव करना है वो हम लोग अचीव नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि SC ST एंटरप्रेनर ऊपर नहीं आ रहे हैं। उन लोग मतलब शायद या तो एजुकेशन की कमी है, कम्युनिकेशन की कमी है, लैक ऑफ अवेयरनेस है, ये हो सकता है। SC ST एंटरप्रेन्योर्स ऊपर नहीं आते हैं, जिसकी वजह से हम लोग का जो टारगेट है वो अचीव नहीं हो पा रहा है। तो ये थे मोइल लिमिटेड के DI खान साहब हमारे बीच में CII के वेंडर डेवलपमेंट कार्यक्रम में। आपने बहुत ही रोचक जानकारी दी मैंगनीज के बारे में, जो कि इतना जनरलाइज टॉपिक नहीं है। आपने घमासान की टीम को अपना समय दिया, उसके लिए थैंक यू वेरी मच।